जो लड़का शहीद कर दिया गया, गोली चलाई गई थी, पुलिस ने किसी विशेष जातिवादी लोगों के दबाव में आके गोली चलाई है और लड़के की रात डेड बॉडी पीएम के लिए गई थी, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद लड़के का शव आया है घर पे। तो लड़के को, हमारे हिंदू समाज में ये रीति है कि लड़के को या कोई भी जब एक्सपायर होता है, ख़त्म होता है, नला दुला के तब अंतुष्टि की जाती है, लेकिन उन्होंने अंतुष्टि में ना एम्बुलेंस निकाल लें ना एम्बुलेंस का ताला खोल लें, सीधा कह रहे हैं ऐसी कब्रिस्तान लेके जाओ। क्या ये उग्रवादी था? ये क्या उग्रवादी था? ये दलित समाज, बाबा साहब को, संविधान को मानने वाले लोग ऐसी परेशान किए जाएंगे, मारे जाएंगे और उसके बाद इनकी अंतुष्टि भी ऐसे इस हालात में होगी? क्या हमारे समाज के लोग बाबा साहब को मानने का, ये जो बाबा साहब को भगवान है, बाबा साहब अपने आराध्य हैं हमारे, बाबा साहब के संविधान से हम चलते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या पुलिस सबके गोली मारेगी? क्या करना चाहती है? साथियों, आज हम पहुंच चुका हूं मैं गांव में और हमारे साथ हमारे समाज के बहुत से लोग हैं, लेकिन अफसोस पुलिस का रवैया अभी, खून बहाकर हमारे समाज का अभी उनका दिल भरा नहीं है। अब ये देखना है और कितना खून इन्हें पुलिस वालों को हमारा चाहिए। हम तैयार हैं गोली खाने को और जेल जाने को। जय भीम, जय भीम। पीछे से ले लीजिए तो, जय भीम, जय भीम। आज सभी लोग यहाँ पहुँचो। आज जब माँ बाप करेंगे वो होगा। सर, जब रात सब बात हो गई है तो अब क्या इसमें भी आपको कोई रात यही तय भाई थी? हमने यही कही थी बाबा साहब के कारण ना हमारा बेटा शहीद हुआ है, हम अपने बाबा साहब के यहाँ पे वो करेंगे। वोट लगना चाहिए, यही सब करेंगे, सब जब हमारे बेटे का संस्कार होगा तो यही समाधि भी बनेगी। बेटा एक मिनट, सर वादा किया है बेटा, बहुत धीरे से जो है हम भाई गया, भाई जान से प्यारा भाई, हम एक सेकंड में खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अगर किसी नेता का लड़का एक सेकंड में खत्म होता तो गिरफ्तार नहीं करते, ये क्यों नहीं करते गिरफ्तार? बताओ, गोली मारो, अभी पूरी दुनिया की पुलिस जुट जाएगी यहाँ पे, यहाँ दुनिया का। अगर कोई बता दो, अगर योगी सीएमपीआर ये खाली लफड़ा भैया, ऐसा बात एक बोलो, ऐसा बात होगी, ये लोग जो है ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन आप सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जो जो है बड़े गांव का मैटर था, तो उस विषय में तो जो है पुलिस प्रशासन अब तो उसको बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाने दे रही। अभी तो आपको मैं आगे का मैटर दिखाता हूँ। क्या
यह मुक्ति करवाना क्या दिक्कत है इन लोगों को? अरे बाबा जी मर जाता मंदिर पर तुम जब असल यहाँ पे खाद के गड्ढे की जमीन थी ऊपर करी जिसको बीच में पाट कर ऊपर कर किया गया और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ रोककर प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए, उसको लेकर शिकायत हुई थी जिसपे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जांच होगी। लेकिन बीच में जैसा कि तहरीर भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई, उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इसकी जांच भी की जाएगी। जो परिवार की तहरीर है और मांग है वो हमें प्राप्त हो गई है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सब पे कड़ी कार्रवाई। सर परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोली से जो है युवक की मौत हुई है, ये हमें मिला है, इस पे ये जांच के दौरान ये सारे सारे मामले आएंगे, जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दो लोग घायल होने के लिए उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और परिवार को एश्योर किया गया है, परिवार मजदूर परिवार है, उसको आश्वासन दिया गया है कि जो भी समुचित सहायता होगी उनको हम प्रदान। गाँव में स्थिति कैसी है? ठीक है, गाँव में स्थिति बहुत खराब नहीं है, सब कुछ सामान्य है और अब इसके बाद और भी सामान्य हो जाएगी, जो चीजें हैं हम उस पर कार्रवाइयाँ करेंगे, उसके बाद सब सामान्य। अच्छा सर, परिवार के लोगों को कहना है कि परिवार को एक व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी दी जाए? देखिए वो मांग तो उनकी सारी है, हमने कहा है कि सब पे विचार करेंगे। आज से कम 8-7 साल पहले ये ग्राम वासियों की जगह, पहले पूर्वजों से ही जगह ग्राम वासियों की चली आ रही थी, खलिहान में इनकी घोषणा कर दी थी गाँव वालों ने, लेकिन वहां पे बोर्ड लगा दिया था, वो बोर्ड उखेड़ के फिर से फेंक दिया और कुछ आज से एक महीना पहले वो बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगाने के बाद जैसे इन्होंने बोर्ड लगाया ग्रामवासियों ने विरोध किया और विरोध के बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने रुकवा दिया। फिर आज वो बुनियाद ईंट ऊंटों का कुछ काम शुरू कर रहे थे, पुलिस वालों ने जाके वहाँ रोक दिया, JCB भी ले आए और कहा सुनी के बाद पथराव इतना भयंकर हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया महिलाओं पर। महिलाओं तो चलो इधर उधर हो गई लेकिन पुलिस ने बातचीत हवाई फायरिंग ना करने की जगह सीधा गोली सर पे चलाई है, माथे पे गोली चलाती है पुलिस। पुलिस का हक लेडीज पुलिस थी या जेंट्स? नहीं, जेंट्स और लेडीज दोनों थी। माथे पे गोली मारी है। पैरों में हवाई फायरिंग किया जाता है। लड़के का नाम सुमेश है। सुमेश है? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पेपर दे के आया था? हाई स्कूल के पेपर दे रहा है लड़का। ठीक, और एक मिनट एक मेरी बात और सुन लीजिए, कमिश्नर साहब अनंजय कुमार जी ने ये कबूल किया है, जो पीड़ित परिवार है, जो लड़का मारा गया उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और जो घायल हैं उन्हें 10 लाख रुपए और अम्बेडकर पार्क बना के देंगे और उसी में उसकी एक प्रतिमा बनाई जाएगी। ये हमारी मांग पूरी हो।